हे गाइज वेलकम टू माई YouTube चैनल एंड लिटरेचर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू talking अबाउट डेनिस Brutus. ये एक साउथ अफ्रीका के पोइट थे जिनके बारे में आपको बहुत सारी पोइम देखने को मिलेगी इनकी जो मोस्टली पोइट्री होती है वो साउथ अफ्रीका के जो भी जब जब डचेज ने वहाँ पे अपना अधिकार कर लिया था तो उसके बारे में कैसे वहाँ के लोगों को ट्रीट किया जाता था होता है कोल्ड भी इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्री है और ये रही उनके बारे में छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन उनका जन्म ट्वेंटी एट नवंबर नाइनटीन ट्वेंटी फोर में हुआ था इन्होंने नाइनटीन फोटी एट में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन के फाउंडर भी थे फाउंडर भी थे और ये रहा इनके दूसरे बारे में इनको कुछ अवार्ड भी मिले थे ट्वेंटी सिक्स दिसंबर टू थाउजेंड नाइन्टीन में इनकी डेथ हो गई थी एज एट्टी फाइव में सार्प विलेिक पढ़ने से पहले साउथ अफ्रीका की छोटी सी हिस्ट्री के बारे में जानने ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब डचेस ने साउथ अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाई थी तो वो टॉप मिले नाम की जगह पे रहते थे वहाँ पे एक अपेडमिक फैन जिसकी वजह जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका पीपल्स को नाइनटीन में सार्प विलेन नाम की जगह पर भेज दिया गया और उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि जब भी वो चलेंगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चलेंगे और उन पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए गए और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी इसी वजह से सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दार्पिलिक पोम एंड the poem uh, start with what is important about sarpele is not 70 died not even that they were sought in the black retraining unarmed defenseless and certainly not the heavy caliber slungs that tear through a mother's back and rip through the child in her arms killing it सारबीले के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है कि सत्तर लोग मारे गए और ये नहीं कि उनकी पीठ पर गोलियां मारी गई ना ही उनके बारे में जो लोग निहत्थे थे डिफेंसलेस थे निहत्थे थे डिफेंसलेस थे निश्चित रूप से ना ही उस माँ के बारे में है जिसको जिसको उसके बच्चे के साथ हैवी कैलिबर सलंग से उसकी ही गोद में बेरहमी से फाड़ दिया गया द सारीले इज़ रिमेम्बर फॉर द ब्लैक डे ब्लैक डे ये दिन जो था ना सार बिले का ये इसके लिए ब्लैक डे था ये सार्पले का ब्लैक डे था जो बहुत ही बेरहमी से वहाँ के लोगों को मारा गया था इन सब चीज़ों को ये सिंबलाइज करता है दिखाता है इन दिस पोइट्री बिकॉज इम्पटीज ऑपरेशन एंड द नेचर ऑफ सोसाइटी ये सोसाइटी के उत्पीड़न का प्रतीक है लाइक लोगों पे जो भी बेरहमी से बेरहमी से किया गया था उनके ऊपर अत्याचार ये उसका प्रतीक है उस घटना को क्लियरली क्लियरली शो करता एंड इट सिम्स लाइक क्लासिकल क्लासिकल इवेंट क्लासिकल घटने की घटना की तरह यह है इस पोएम में ब्रोटस ने बोला है कि यहाँ अब भी यहाँ पर जातीय प्रभाव है जिसे बहुत ही क्लियरली परिभाषित किया जा सकता है नाउ क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट वर्ट द वर्ल्ड विस्पर्स अपार्टेड विथ स्लैंगरिंग गन्स द ब्लड लस्ट आफ्टर साउथ अफ्रीका सेल्स इन द डस्ट एंड ये सब होने के बाद जो हाँ का जो खून हुए थे ना जो वो सारे धूल में जो ब्लड थे जिन लोगों के वो सारे धूल में मिल गए थे वो सारे धूल में मिल गए थे और उसके बाद ये घटना हमेशा के लिए हिस्ट्री में यादगार बन गई थी थैंक यू फॉर द वॉचिंग डो लाइक थैंक्स अगेन